वालेकुम दोस्तों, ये टर्बो व्हीसल है। लोग इसको अक्सर शौकिया तौर पर गाड़ियों के सिलेंसर में लगाते हैं, तो इससे जो है ना गाड़ी की आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हमने भी ये मंगवाई है शौकिया तौर पर के इसको चेक करते हैं इसकी आवाज़ कैसी है, और आपको इसकी मैं कीमत भी बताऊंगा और जो इसकी तफसील है इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। मज़ीद वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, उनके तमाम का शुक्रिया। तो दोस्तों ये ऑनलाइन मंगवाई है, दराज से तकरीबन 650 में आई है, 10-15 दिन इसको लगे हैं। ये तकरीबन चाइना के किसी डिस्ट्रिक्ट से आई है, तो जो भी उसका जो एड्रेस है उस पर लिखा हुआ था। खैर, तो इसको लगाने का मकसद ये है कि अक्सर लोग शौकिया तौर पर इसको जो है ना पीछे यहाँ पर साइलेंसर में लगा देते हैं। इससे क्या होता है, इसकी जो है ना आवाज़ गाड़ी की चेंज हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। तो जिस तरह ये नाम से ही लग रही है कि इसका नाम टर्बो विसल है, टर्बो विसल जो गाड़ियों में अक्सर टर्बो लगे होते हैं, टर्बो चार्जर, तो जो सीटी की तरह वो आवाज़ लगाते हैं, तो ये भी एक किस्म की सीटी है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें जिस तरह ये बना हुआ है। तो पार्सल में एक तो ये थी, क्वालिटी इसकी अच्छी है, बेहतरीन है, मज़बूत है। ये इसके जो ये नट कबले हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, और ये इसका जो ये स्टील की तरह बना ये भी अच्छा है। और बाकी इसके साथ ये थी एक एल शेप जो की होती है एल की, तो ये भी है, और छोटा सा इसमें ये भी है, ये देखें ये पेच नुमा है और जो यहाँ पर लगता है, तो ये देखेंगे यहाँ लगती है। मैं कोशिश करता हूँ आपको इसकी आवाज़ भी सुनवाता हूँ। तो ये इस तरह लगती है, ये देखेंगे ऐसे यहाँ पर, और नीचे से इसको टाइट कर देना पड़ता है। तो अभी इस पर मैंने कोई ख़ास तजर्बा नहीं किया, इसको उतार कर इसको लगा कर या लगाने के से कोई इसके कोई दो तीन कोई तरीके हों या इसकी आवाज़ें चेंज हो कम या ज़्यादा हो। जिस तरह ये देखें कि यहाँ से इसकी जो है ना खुल भी जाती है, बंद भी हो जाती है, और इसको लगाने से जो है ना ये देखें छोटा सा ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये देखें ये यहाँ पर लगता है यहाँ, तो ये यहाँ लगाने से ये इसकी जगह टाइट हो जाती है। तो क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई दूसरा है नहीं कि इसकी आपको आवाज़ क्लियर मैं सुनवा सकूं, तो मैं इसको लगा कर इसको फिट करके बाद में गाड़ी को जो है ना मैं इसको एक्सीलेटर दबाता हूं, तो फिर आप इसकी जो आवाज़ है वो सुन लेना। तो ख़ास इसकी आवाज़ नहीं होती जिस तरह लोग इसका जो सिलेंसर की ढोल की ये चेंज करवाते हैं, तो वो तो मुख्तलिफ़ आवाज़ें होती है, लेकिन इसका मकसद ये है कि सिर्फ़ एक किस्म की सीटी सीटी मारती है जिस तरह गाड़ी। तो लगा के मैं आपको दिखाता हूँ इसको। तो दोस्तों इसको लगा दिए अंदर आर्जी तौर पर, अभी हाथों के साथ जो है इसका नट जो है ना टाइट किया है, तो इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। अभी तो ये बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ है, आवाज़ आपको भी क्लियर नहीं आएगी क्योंकि बेल्ट की आवाज़ आ रही है। तो अभी आपने इसकी आवाज़ सुनी है जो आपको जो है ना नॉर्मल महसूस हो रही थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, बाद में जो है ना इसका मुकम्मल तजर्बा करेंगे इसकी आवाज़ कम या ज़्यादा जिस तरह होती है जो भी होती है। तो ये देखें ये जो मैंने आपको बताया था छोटा सा जो इसके अंदर वो लगता है पेच, ये देखें ये है, और इसको एल की लगती है इसके अंदर। तो खैर यही थी, मज़ीद अगर कोई इसमें ख़ास बात होगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर वीडियो में बताऊंगा। तो यही वीडियो थी आज की, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, आपके तमाम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।